हेलो स्टूडेंट्स, बीकेएसआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लिब्रा ऑफिस प्रेस के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस ओपन किया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखें। छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस और शॉर्ट की, जिसे आप लर्न करेंगे। और वीडियो देखने से पहले आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट की हैं वो आप अपने कॉपी पर नोट करिएगा, जिससे कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप सही आंसर दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस कैल्क और लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में ये सभी में लगभग सेम होता है। सबसे ऊपर जो है वो आपका टाइटल बार है, ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, ये आपका मेनू बार होता है। तो यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन के टोटल मेनू कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम काउंट करें 1 2 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 10। इसमें 10 जो टोटल मेनू है, जो टोटल मेनू है, तो यहाँ पर आपके 10 है। 1 2 3 4 फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और 10। तो ये आपका टूल बार होता है, इसके बाद ये आपका साइड बार होता है। और ये क्वेश्चन देखिए, आपको लिब्रा ऑफिस राइटर में, लिब्रा ऑफिस कैल्क में, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में, ये तीसरे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आप जो जूम साइज है तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम कितना होता है और इसका मैक्सिमम कितना होता है। तो अगर हम मिनिमम की बात करें, तो यहाँ से प्रैक्टिकली देखते हैं। माइनस से जो क्लिक करते हैं और क्लिक करते रहेंगे और यहाँ पर ये छोड़ देंगे और क्लिक करते हैं। ये देखिए 5% है। अब यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, इसका मीन्स ये है कि मिनिमम ये है, इसका रूम साइज है मिनिमम 5%। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जो मिनिमम जूम साइज है वो आपका 5% है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम कितना है। तो प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए, ये शायद 3000% है, 3000% इसका मैक्सिमम साइज है। तो अभी ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम साइज है वो 3000% है। और नॉर्मल अब हम कर देते हैं तो ये 5% मिनिमम साइज है, उसका मैक्सिमम जो साइज है वो आपका 3000 यानी 3000% है। तो ये लर्न कर लीजिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों साइज आप लर्न कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और सेव करते हैं, तो इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइल्ड वन होता है। तो जैसा कि आप एक बार रिमाइंड करेंगे कि लिब्रा ऑफिस राइटर में, लिब्रा ऑफिस कैल्क में, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में, तीनों में अनटाइल्ड वन ही है, तो एक ही में तीनों क्वेश्चन आपके लर्न हो जाए। अगर तीनों में से कोई भी ऐसे आता, अगर आप किसी फाइल को, प्रेजेंटेशन को, अगर आप किसी सीट को, कैल्क में, इन तीनों अगर आप सेव करते हैं, तो जो बाई डिफॉल्ट जो नेम होता है वो अनटाइल्ड वन होता है। तो इसे लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए आपका वर्क स्पेस होता है। यहाँ पर आप कोई भी स्लाइड, कोई भी प्रेजेंटेशन स्लाइड बना करके, 1 2 3 4 प्रेजेंटेशन बना बना सकते हैं। तो ये यहाँ से है। अब हम इसके बाद ये देखिए आपका, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका ये स्टेटस बार होता है। ये यहाँ पर ये कॉलम रो काउंट लिखे हुए हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और ये जैसे कि ये आपका स्लाइड बार है, तो ये देखिएगा स्लाइड बार, ये कंट्रोल F5, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कंट्रोल प्लस F5। अगर हम यहाँ से हाइड ऑल्सो करा सकते हैं, तो चलिए ये अभी हम सबसे पहले फाइल की बात करें। तो ये फाइल मेनू में ये सभी ऑप्शन है, सेव, ओपन, ओपन की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस O, सेव कंट्रोल प्लस S, सेव इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ये सेव रिमोट, ये आपको ये एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट एज, अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्रिंट कंट्रोल प्लस P, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं,
ये लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस है, तो इसकी कंट्रोल प्लस कई बार ये पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये लर्न कर लीजिएगा। ये फाइल मिनिमम कौन कौन से ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है तो यहाँ पर देखिएगा कंट्रोल एन है, और ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दिया है स्पेसिट ड्रॉइंग फॉर्मूला बिजनेस कार्ड ये किस मेनू में मिलते हैं, तो ये देखिए फाइल मेनू में, फाइल मेनू में उसका उस सब मेनू है न्यू, उसमें जा करके आप ये ड्रॉइंग फॉर्मूला ये ऑप्शन मिलते हैं, तो ये लर्न कर लीजिए कौन सा ऑप्शन कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सभी लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं एडिट की, ये देखिए फिर वही है आपके अंडो कंट्रोल प्लस जेड, रेडो कंट्रोल प्लस वाई, कट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट स्पेशल, आप देखें पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट के अनफॉर्मेट टैक्स की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, डुप्लीकेट ये भी कई बार पूछा जा चुका है, डुप्लीकेट लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में जो डुप्लीकेट की शॉर्ट की है वो आप शिफ्ट प्लस F3 है, ऑल सेलेक्ट की आप जानते हैं कंट्रोल प्लस ए है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फाइंड की कंट्रोल प्लस F, और फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल प्लस H है, पॉइंट्स की F8 है, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट की थे। इसके बाद व्यू, व्यू जो मेनू बार होता है चाहे वो आपका राइटर का हो, चाहे वो कैल्क का हो, चाहे वो इम्प्रेस का हो, ये जो भी ऑप्शन है उन्हें या हाइड करेगा या ये शो करेगा, तो यहाँ पर ये आप सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटस बार अगर यहाँ पर आप हटा देंगे तो यहाँ से नीचे से हट जाएगा, अगर आप साइड पाड़े अगर आप ये जो देख रहे हैं अगर इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हट जाएगा, इसी तरीके से ये आपका साइड बार दिया जो कंट्रोल प्लस F5 है, अगर आप देखिए यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से हट जाएगा, दोबारा अगर आप लगाना चाहते हो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये तो हो जाएगा, तो व्यू में अधिकतर जो ऑप्शन है वो शो और हाइड के होते हैं। इंसर्ट की बात करते हैं, इंसर्ट में आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है कमेंट ये भी कई बार पूछा जा चुका है, कंट्रोल प्लस सी ये कमेंट का शॉर्ट की, हाइपर लिंक ये तीनों में एक ही शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस के, चाहे वो लिब्रा ऑफिस राइटर हो, चाहे वो लिब्रा ऑफिस आपका कैल्क हो, चाहे लिब्रा ऑफिस इंप्रेस हो, तीनों में जो हाइपरलिंक की शॉर्ट की वो आपकी कंट्रोल प्लस के है। फॉर्मेट, फॉर्मेट में वही सब दिया हुआ है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ये आप लास्ट वीडियो में जो समझाया गया वो आप देख सकते हैं, ये पूरा आपका बोल्ड इटलैक ये सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन ये सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, ये सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, और ये आपका इंक्रीज साइज ये डिक्रीज साइज ये शॉर्ट की है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, और ये सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस प्लूरल केस ये यहाँ से ये अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका ये जो करेक्टर वो कैपिटल होगा यहाँ पर स्मॉल होगा, तो ये आपका फॉर्मेट। स्लाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यू स्लाइड की जो शॉर्ट की है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग प्रत्येक मंथ SSSC एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये शॉर्ट की न्यू स्लाइड की जो शॉर्ट की वो कंट्रोल एम है, यहाँ पर अधिकतर गलती करते हैं कि कंट्रोल एन ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन में या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो न्यू स्लाइड की शॉर्ट की वो आपकी कंट्रोल एम है। इसके बाद एक डुप्ली स्लाइड है, ये आपकी डुप्लीकेट स्लाइड है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं जंप लास्ट एडिट वो आपका अल्ट शिफ्ट प्लस F5 है। स्लाइड शो में ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्लाइड न्यू स्लाइड की जो शॉर्ट की कंट्रोल एम है उसी तरीके से स्लाइड शो, तो जब स्लाइड हम बना कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं बहुत सारी स्लाइडें बना करके, तो अगर उसे स्टार्ट से हमें रन कराना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो F5 है, लर्न कर लीजिए इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद अगर हम शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं तो उसकी जो शॉर्ट की है वो आपकी स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड, सॉरी करेंट स्लाइड का मीन्स जो हम कई सारी स्लाइड हम बना चुके हैं उसमें अगर बीच में कहीं पर भी आप जो बना रहे हैं उसी को अगर आपको सिर्फ देखना है रन कराना है तो उसकी जो शॉर्ट की है वो शिफ्ट प्लस F5। तो ये जो दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं स्लाइड शो के, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5, स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5, ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगर टूल्स की बात करें तो देखिए ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिब्रा ऑफिस
लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है, और टूल्स जो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की वो आपकी F7 है। इसके बाद और भी ऑप्शन दिए हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम विंडो की बात करें तो यहाँ पर न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल प्लस W से हम यहाँ से हम आपका ये क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हेल्प है, तो ये लिब्रा ऑफिस हेल्प की जो शॉर्ट की है वो आपकी F1 है। तो इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ शॉर्ट की थी। ये सभी जब आप CCC एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आप ये तैयारी करें या एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी लर्न करके जाइए, चाहे वो लिब्रा ऑफिस राइटर के क्वेश्चन हो, चाहे वो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के क्वेश्चन हो, चाहे लिब्रा ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को, ये सभी मैं आपको जो लास्ट वीडियो अपलोड किए गए वहां जाकर आप देख सकते हैं, आपको डिटेल में समझाया गया है। सभी वीडियो आप देख करके पूरी तैयारी करके ही जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।